नमस्कार, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर ज्ञानवर्धक जानकारी देती हैं। आज बात करेंगे राजनीति पर, लेकिन विस्तार से रूबरू होने से पहले देते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा साउथ बैंड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, जसलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-7832-81-23। अब विस्तार से ज्योतिष का राजनीति पर क्या प्रभाव है? क्या केजरीवाल अपना काल पूरा कर पाएंगे? भाजपा कांग्रेस पर ज्योतिष क्या कहता है? भविष्यवाणी कर रही हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। पेश में उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी है ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे राजनीति पर, राजनीति में उठक पटक क्यों है, यहाँ गवर्नमेंट बनने वाली है, बनने की क्या वजह है, क्या जो गवर्नमेंट बनेगी वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी या बीच में टूट जाएगी। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। मानवी जी, क्या वजह है यहाँ राजनीति में उथल पुथल हो रही है, आज इतने दिन हो गए गवर्नमेंट नहीं बन पा रही? देखिए गुप्ता जी, हम सबसे बड़ी बात क्या है कि सब ग्रहों का खेल है, ग्रहों के अनुसार ही सारा चक्र चलता है। अगर हम इन सारे ग्रहों की गति से अगर हम कोई ऐसा ग्रह पिक करें कि जितनी भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जो घमासान चल रहे हैं, जो डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे मुझे तो एक ही ग्रह नजर आता है, वो है शनि महाराज। शनि और राहु की जो गति चल रही है, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और शनि इस समय अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल भी आसन जमा कर बैठे हैं शनि से बारहवें घर में। शनि से बारहवें घर में मंगल जो है कन्या राशि में चल रहा है। और देखिए मजे की बात क्या है कि जून तक मंगल अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं, हर ग्रह अपनी गति। मुझे लगता है शनि इस समय बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। देखिए शनि क्रांतियों का ग्रह है, उथल पुथल का ग्रह है, शनि परिवर्तन कराता है, शनि ही सत्ता को चेंज करवाता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम भाजपा की बात करें, हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, या हम आप की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो सामंजस्य, एडजस्टमेंट, कॉपरेशन नहीं हो पा रहा, इसके पीछे शनि की ही गति काम कर रही। अभी शनि मार्गी चल रहे हैं। देखिए ग्रह जो हैं सूर्य और चंद्र को छोड़कर, बाकी राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं और सूर्य चंद्र हमेशा ही मार्गी रहते हैं, इनके अलावा ग्रहों को छोड़कर, तो इस समय शनि मार्गी पोजीशन में चल रहे हैं,
लेकिन इनकी दृष्टि जहां जहां पर भी पड़ती है, कहते हैं ना कि शनि की जो कुदृष्टि होती है, जब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं उससे पहले मति हर लेते, तो जिसको हारना होता है या जिसका काम खराब होना होता है या कुछ बिगड़ना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते शनि। तो शनि ने शायद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऐसा ही किया है। आज आप देखिए, जब हमारे इलेक्शंस हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने आपा खोया, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े में उतर आए, तो ये शनि महाराज का ही कमाल है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर केजरीवाल जी अगर 26 दिसंबर को शपथ लेते हैं ये सरकार नहीं चलेगी। अब 28 को आएंगे। हाँ, देखिए ये प्रभु कृपा है या ऊपर की तरफ से, अगर कोई ये जिस समय उनकी सरकार शपथ ग्रहण करेगी उस समय के जो ग्रह होंगे, उस समय जो प्रश्न लगन बनेगा, हम उसके आधार पर भी बहुत कुछ अपने दर्शकों को बताएंगे कि सरकार कब तक चलेगी। वैसे मैं आपको आज का जो मैंने प्रश्न लगन बनाया है उसके आधार पर भी ये कह सकती हूँ कि जुलाई तक समय काटना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अगर हम 28 की भी बात करते हैं, 28 सितंबर की भी बात करते हैं, तो 28 सितंबर को एकादशी का जो गोचर है वो चलेगा। अब एकादशी का गोचर एक शुभ जो है वो तिथि है, तो केजरीवाल जी सरकार तो बनाएंगे, सरकार भी चलाएंगे और बहुत कुछ इंप्रूव भी करेंगे। देखिए इंप्रूवमेंट बहुत सारे इंप्रूवमेंट तो मुझे आगे 700 लीटर पानी मुझे देंगे, 50% ब्रिजी कम करेंगे जी, क्या ये हो पाएंगे? देखिए कुछ चीजें मैं ये सोचती हूँ कि मेरी अपनी विचारधारा है कि मौका सबको मिलना चाहिए। अगर किसी में कोई जज्बा है कुछ करने का, कैसे कर सकेगा? जो चीज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। केजरीवाल जी की कुंडली भी मैंने मेरे पास है। केजरीवाल जी की कुंडली में मंगल नीच के हैं, केजरीवाल जी की कुंडली में शनि नीच के हैं, केजरीवाल जी की कुंडली में चंद्र नीच का है। और सूर्य मंगल जो है वो अल्टीमेटली आपस में युति करते हैं, और शनि का नीच होना इनके पॉलिटिकल कैरियर को बहुत जल्दी उठान देगा और बहुत जल्दी नीचे गिरा देगा। तो मैं एक ईमानदार शख्सियत के तौर पर इनको देखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सराउंडिंग में इतना सब कुछ मेंटेन कर पाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम रहेगा। लेकिन फिर भी जो इस समय इनका पीरियड चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, और मैंने आपको बोला है कि जुलाई का पीरियड, जुलाई के बाद का पीरियड इनके लिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर आएगा। देखिए शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा, अभी शनि जो है वो नवंबर 2011 से तुला में उच्च के चल रहे हैं, तो देखिए 12 और 13 यानी कि जाकर जून के बाद, जुलाई के बाद बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं। 6 महीने ही टाइम दिया आपने, 6 महीने में उथल पुथल हो सकती है। बिल्कुल उथल पुथल हो सकती है। देखिए गुरु चेंज होंगे, गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु जो है इस समय मिथुन में चल रहे हैं, गुरु उच्च के हो जाएंगे, और अल्टीमेटली केजरीवाल जी की कुंडली में भी गुरु उच्च के हैं। ये पोजीशन थोड़ा उनको केंद्र की तरफ लेके जाएगी, केंद्र की तरफ मोड़ेगी, लेकिन उनका दिल्ली में राज्य पक्ष में जो उनका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा लेकिन सरकार को चला पाना मुझे नहीं लगता कि इनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, ये अगर जगह जगह घूमकर जनता के बीच में रहेंगे तो ये कामयाब हैं। ये जिस दिन कुर्सी पर बैठ जाएंगे, जिस दिन तख्त पर बैठ जाएंगे, उनके लिए इनके लिए जो तख्त होगा वो कांटों का तख्त होगा, तो जिस पर बैठकर काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मानवी जी के जीवा कहते हैं कि ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए ना मुझे कोठी चाहिए जी, क्या मैं मंत्रियों को कोठी भी नहीं दूंगा, क्या ये संभव हो पाएगा? जिनकी भावना है जी कुछ पाने की, क्या वो छोड़ देंगे? देखिए बहुत ही, देखिए ये एक व्यक्ति की भावना है, सिर्फ एक के ना, सिर्फ एक, बाकी मंत्रिमंडल 6 आदमी बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, 10-12 आदमी टीम होगी, क्या उनकी भावना नहीं है? देखिए एक ऐसी बात होती है जैसे फिल्म का ट्रेलर आप देख रहे हो, फिल्म को चलने दीजिए और वक्त की गति के अनुसार, देखिए आज हमारे पास एक 9 ग्रहों का एक डिब्बा है, खाना है, हम उससे बहुत तरह के जो अंदेशे हैं वो लगा सकते हैं। अब हमसे एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद, देखते दिल्ली 8 PM। स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है खादी, आधुनिक फैशन की पहचान है अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन, बिग रेंज ऑफ जीन्स मटेरियल,
जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जेंट्स कुर्ते व जेंट्स धोती एंड फॉर लेडीज, लेडीज साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइटीज, लेडीज शॉल्स, साथ ही बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, दरिया, रजाई व लोई। स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियाँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियाँ। स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध है ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स, जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे, स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंदन नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन 9313898840 एंड 9313898841। मैसेज देंगे आप देशवासियों को, प्रदेश को, बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को? सस्सी पब्लिक स्कूल की तरफ से नववर्ष जो आ रहा है, ये सभी लोगों को मैं मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छोटों को आशीर्वाद के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो इस वर्ष में किया वो सब को पता है जो किया है, लेकिन आने वाला समय हमें सत्य निष्ठा से अपने परिवार से लेकर पूरे क्षेत्र तक, देश तक, हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम कोई हमारे से गलत कार्य न हो और हम तन मन धन से जो जो ड्यूटीज हमारी है उन ड्यूटीज को हम पूरा करें। जिसकी जो ड्यूटी है वो सब पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें। जो संस्कार है उसको ना भूलें, हमें उनको मद्देनजर रखते हुए प्रगति के पथ पर कार्यरत। ब्रेक किया और आपका फिर से स्वागत है। जिस ग्रह में इनकी चाल, इनका जो सरकार बनेगी, हमने पिछले अपने प्रोग्राम में ये बोला था कि री इलेक्शन के योग भी हमारी जो ग्रह चाल है वो बना रही है। साथ में हमने ये भी बोला था कि अगर केजरीवाल जी सरकार बनाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर सरकार बात उस समय की थी जब था, तो मैं आज ये एट प्रेजेंट अगर केजरीवाल जी 28 को भी सरकार बनाते हैं तो उस समय
छोड़कर अभी कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने जा रहा, तो इस समय भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस समय सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो ये 50% माइनस है और 50% पॉजिटिव है। तो ये डिपेंड करता है, अभी शनि जो है उच्च डिग्री में चल रहे हैं, 25 डिग्री के शनि चल रहे हैं, मंगल की डिग्री अभी थोड़ी सी कम है, तो नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि अभी चैलेंजेस ज्यादा हैं और अभी थोड़ी एक्सेप्टेंस कम है। इस चीज को एक्सेप्ट करना, देखिए अगर मैं 28 तारीख का गोचर चेक करूं या मैं 29 का गोचर चेक करूं या मैं 30th का गोचर चेक करूं, तो मुझे हालात बड़े वाइब्रेटिव, बड़े अग्निकारक, बड़े विस्फोटक कारक, मतलब जो ग्रह चाल है वो नजर आ रही है। लेकिन मुझे एक छोटा सा बैलेंस ये भी नजर आता है कि सूर्य और बुध का, बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं उनको राज तख्त तो दे रहा है, लेकिन साथ ही उनकी चारों तरफ जो चिंगारियां हैं वो ही उबल कर सामने आ रही। बाकी देखिए एक बात है, एक व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपनी ईमानदारी के बल पर सारे सिस्टम को ईमानदार बना पाए। इसमें मैं एक बात पूछूं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार है, जबकि आज कहते हैं कि सबसे बेईमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। ऐसा नहीं, देखिए ईमानदार तो वो भी है और बदनाम है। आज क्यों बदनाम है? क्या केजरीवाल के ईमानदार में से टोटल मंत्रिमंडल ईमानदार हो जाएगा? देखिए गुप्ता जी, मैं इस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर कमेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी ग्रहों के अनुसार इस बात को बयान कर सकती हूँ कि अगर मैं केजरीवाल जी की कुंडली को निगाह मारूं, तो मुझे केजरीवाल जी की कुंडली की जो सराउंडिंग है वो बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आती, इनकी सराउंडिंग के जो स्टार्स हैं वो बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के साथ के जो लोग हैं वो दिख तो रहे हैं, लेकिन समय आने पर ही अपनी चाल जो है वो क्लियर कर सकते हैं, अपना रंग दिखा सकते हैं। केजरीवाल जी का एफर्ट्स बहुत अच्छा है, वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। भले जब सब लोग कोऑपरेट करें, और ऐसा मुझे काफी हद तक पॉसिबल लगता नजर तो आता है, बट ये बहुत मुश्किल है। केजरीवाल जी के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मानवी जी, आपने कहा 28 विधायक बन के आए, एक विधायक ऐसा है जो 10 वर्षों से निगम पार्षद था जी, नाम उसका जी। उसको मंत्री पद का कहा मनाया जाएगा, पर उसको नहीं बना रहे हैं, उसने इस्तीफा देने कहा और कहा कि मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा क्या बताऊंगा। देखिए ये सब पॉलिटिकल, मैं इसको ड्रामा तो नहीं कहूंगी, बट दीज आर ऑल आर पॉलिटिकल डिप्लोमेसीज। तो इस पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को हैंडल करना भी कला है। देखिए राजनीति को चलाने वाले शनि ही हैं, जिनका शनि बहुत उच्च के होते हैं, जिनके केतु उच्च के होते हैं, जिनके राहु उच्च के होते हैं, लेकिन जिनके केतु उच्च के होते हैं उनकी गाड़ियों के आगे लाल बत्ती होती है। अब देखिए केजरीवाल जी का केतु जो है वो डाउन है, तो केजरीवाल जी ने बोल दिया कि मैं, केजरीवाल जी का राहु अच्छा काम करता है, इनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देने वाला राहु ईमानदारी को भी इंडिकेट करता है, तो केजरीवाल जी को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देने वाले ग्रह तो यही हैं, लेकिन ये ग्रह बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बदल भी सकते हैं। सबसे बड़ी मुझे ये थोड़ी सी आशंका नजर आती है कि इस समय शनि उच्च के चल रहे हैं, बेसिक कुंडली में शनि नीच के हैं, जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे केजरीवाल जी की कुर्सी भी डगमगाने लगेगी। मान जी आपने ठीक कहा, चार स्टेट में चुनाव हुए जी, पांच में हुए थे पर चार स्टेट मैन थे जिसमें भाजपा को आना था जी। क्या यहाँ पर ऐसी कौन सी बात हुई जो ग्रह टेढ़े थे जो भाजपा सत्ता में आई, बाकी तीन स्टेट में सत्ता में आई, वो मेजोरिटी से आई है वो? देखिए भाजपा की कुंडली हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस समय गोचर की बात करती हूँ 16 तारीख के बाद से, और 16 तारीख से पहले भी अगर मैं देखूं तो सूर्य इस समय धनु में है। पिछले टाइम पीरियड में, पिछले महीने में सूर्य जो थे वो मंगल की राशि में इंटरैक्ट कर रहे थे। अब ये गोचर ही है जो चीजों को बल देता है या चीजों को डाउन कर देता है। अभी भाजपा की स्थिति जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। हम अगले, जबकि 32 सीटें भाजपा की आई, 28 सीट इसकी आई थी जी। क्या भाजपा का डॉक्टर हर्षवर्धन चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहते हैं कि उसके नसीब में मुख्यमंत्री पद नहीं है जी? मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम पर्सनालिटीज को डिस्कस करें तो हम पर्सनालिटीज को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, शायद मैं उनका डेट ऑफ बर्थ अभी यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। तो हम हर्षवर्धन जी की कुंडली मैंने देखी हुई है, हर्षवर्धन जी की कुंडली में पॉलिटिकल जो योग है वो एक अच्छे लीडर के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन पॉलिटिकल हाइट पर पहुंचना उनके लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी है।
उनको मतलब उनकी कुंडली में राजयोग मैंने देखे हैं, पर मैंने देखा है कि जब भी उनको किसी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की तरफ जाना होता है तो उनके लिए बहुत सारे हर्डल्स पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं, जैसा कि हमने उनका पहले देखा विजय गोयल जी के साथ जो उनका प्रॉब्लम था सीट से रिलेटेड। तो भाजपा का पोजीशन, अगर भाजपा की कुंडली देखी जाए तो भाजपा की कुंडली स्ट्रांग नहीं है। क्या छह महीने चुनाव है, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या उनकी कुंडली बढ़िया है या नहीं है? देखिए, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं। मैं ये विटनेस दूंगी कि 100% में से 75% चांसेस मोदी जी के सरकार बनाने के हैं, प्रधानमंत्री बनने के हैं, पर साथ में उनकी कुंडली में ये भी योग बनते हैं कि उनके ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग हैं, वो शत्रुओं को दबाते तो हैं। चलिए गुप्ता जी, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मोदी जी की कुंडली, केजरीवाल जी की कुंडली और राहुल गांधी की कुंडली भी हम डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा सा कमेंट ये देना चाहूंगी कि यदि आपने मोदी का भविष्य बता दिया जी, तो कम से कम आपका पार्लियामेंट में स्वागत मैं करूंगा कि वास्तव में मानवी जी अच्छी ज्योतिष आचार्य हैं, झूठ बोलती नहीं, किसी को बहकाती नहीं है और जो कहती है साफ कहती है। देखिए, मैं मोदी जी के बारे में बहुत ज्यादा कंफर्म्ड हूँ, जबकि राहुल गांधी जी के लिए मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली, मैंने बोला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी की चर्चा करने वाले, राहुल गांधी जी की कुंडली में स्टार्स काफी कंफ्लिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो उनको उस पोजिशन तक पहुंचने में 1001 बाधा क्रिएट करेंगे, और मुझे डाउट है कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। अब अब एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद, देखते दिल्ली 8 PM। मॉडर्न KD3 पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए बगाड़ का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। जाने लगा बचपन और प्ले स्कूल। हमारा प्रयास बच्चों को खेल के साथ संस्कार भी सिखाएं कुछ खास। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents Dev Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computer and library room to nurture students'
self confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium Recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. शांति और आराम का स्वर्ग है यही, तो आज ही अपना घर बुक कराएं। पता अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस 416 अरुणाचल बिल्डिंग, 19 12 खंबा रोड, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9560491300, 3013023033, ईमेल है ahinsabuilders@gmail.com, वेबसाइट www.ahinsa.com, SMS ABL 257333। तो आज ही अपना घर बुक कराएं अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत है। मैं मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि वो शेर की वो गर्जना है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे शेरों की आवाज को दबाने की क्षमता रखता है, और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का पद उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ईश्वर ने उनको हर चीज एक स्टेप वाइज दिया। उनकी कुंडली में जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, उनकी कुंडली में प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आने वाले भावी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा जाना कोई गलत बात नहीं। मानवी जी, आपकी ये बातें जो आपने आज कही हैं ये रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं और ये नेट पे जाएंगी और दुनिया नेट पे देखेगी कि मानवी जी ने आज 25 तारीख जिसको क्रिसमस डे कहते हैं भविष्यवाणी की है कि मोदी जी इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे, 75% कंफर्म होंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगी कि ग्रह, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड बताती हूँ। आज हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी जन हैं, ज्योतिष ज्ञान को रखने वाले इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, आज किसी ने सफेद कागज पर लिख कर क्यों नहीं डाल दिया कि आने वाला प्रधानमंत्री या आने वाला मुख्यमंत्री ये होगा। वहां ढोंग बाजी भी होती है, मैंने पीछे भी कहा कि ज्योतिष आचार्य बहुत हैं पर वो पाखंडी बन जाते हैं, नाम के शौकीन बन जाते हैं, पैसे कमाने के शौकीन रहते हैं कि पैसा कमाना है सब। उत्तरी में एक चीज बोलूंगी, शायद दोष उन विद्वानों का भी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जनता दोषी है, बहुत कुछ नहीं, जनता भी दोषी है, पैसे दे के आती है उनको, जनता भी दोषी नहीं है। देखिए ईश्वर ने बहुत कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम भी रीडिंग नहीं कर पाते। देखिए ग्रह अपनी प्रोबेबिलिटीज देते हैं, शनि ग्रह ये कहता है कि ऐसा हो सकता है, ये कभी नहीं कहता कि ऐसा होगा। ये जो अकुट भविष्यवाणियां है या अकाट्य सत्य है ये कोई विरला जन ही है, पर मैंने अपने फील्ड में ये चीज को चैलेंज माना है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि कमियां हमारे में हैं जो हम इस चीजों को पढ़ नहीं पाते, इन सत्य भविष्यवाणी को। देखिए हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, हम ग्रहों के हिसाब से उन प्रोबेबिलिटीज को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा ये अपने विद्वानों से यही क्वेश्चन मार्क है कि आज तक मैं तो एक बहुत ही छोटी साधारण सी छोटा सा रीडर हूँ जो ईश्वर की दया से अपने ज्ञान को ऐसे थोड़ा सा जनता के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने आप को महान पंडित बोलते हैं, किसी ने अभी तक कोई भविष्यवाणी नहीं की कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। लेकिन जो ग्रहों के हिसाब से अगर मैं कुंडलियों को कंपेयर करूं, जो हमारे पीएम कैंडिडेट्स हैं,
तो मुझे राहुल गांधी जी के चांसेस कंपेरेटिव इसलिए कम नजर आते हैं अगर वो अपनी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखिए कर्म की गति बहुत बलवान है। मैं मोदी जी के इन्फ्लुएंस को लेकर प्रेडिक्शन नहीं कर रही, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में दोनों कुंडलियों को कंपेरेटिव कंपेयर करेंगे। तो राहुल गांधी जी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनको गाइडलाइंस की बहुत जबरदस्त जरूरत है कि वो अपने ज्ञान को मतलब और ज्यादा जो है अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएं। वो जनता के लिए एक सुनहरा भविष्य है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन शायद मुझे अभी लगता है आप पर्सनल मानती हैं या ज्योतिष के माध्यम से मानती हैं उनको? हाँ जी, कि उनका देखिए मैं पर्सनली नहीं जानती, मैं तो ग्रहों के लीडर हूँ, मैं तो ग्रहों की डिग्रीज के बिहाफ पर या ग्रहों के बल के बिहाफ पर या ग्रहों की पोजीशन के बिहाफ पर मैं लोगों की रीडिंग करती हूँ और ये बताती हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है और ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक ज्योतिष का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी बताती हूँ कि अगर आप चाहें हम ऐसा करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको कर्म की गति से बल भी प्रदान करता है। सब कुछ लिखा नहीं होता गुप्ता जी, कर्मों की गति से भविष्य बनाया भी जाता है और अगर आप चाहें तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु कृपा का होना बहुत जरूरी। तो मानव जी आप ठीक का एक कौन सा ऐसा काम है जो नियम कर सकते हैं पर प्रभु की कृपा चाहिए, वो कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए कौन सा ढंग है, कौन सा सिस्टम है जो हम जादू घुमाए और भगवान की कृपा? देखिए अगर ईश्वर की कृपा को पाना है तो मुझे नहीं लगता किसी आडंबर की, किसी ज्ञानी जन की या किसी तीसरे मीडिएटर की जरूरत है। ये कृपा आप और ईश्वर के बीच की कड़ी ही ढूंढ सकती है। आप अपना मन, अपनी श्रद्धा, अपना सरेंडर ईश्वर के सामने कीजिए, मांगिए ईश्वर से। देखिए ईश्वर से मांगना, कुदरत से मांगना, प्रकृति से मांगना कोई गुनाह नहीं है। मेरे ख्याल से इंसान से मांगने से बेहतर है उस कुदरत से मांगा जाए। आपके भाग्य में नहीं है तो भी ईश्वर देता है, मैंने ही देखा है। मान लीजिए किस ढंग से मांगा जाए भगवान से कि भगवान हमें दे, कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम से मांग सके? देखिए मांगना, जो मैंने बोला कि मांगना बुरी बात नहीं है, पर मैं ये सोचती हूँ, कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि मांगा भी क्यों जाए। देखिए ये मेरी कॉन्ट्राडिक्शन है बात का, कि एक तरफ मैं कह रही हूँ कि मांगना बुरी बात नहीं है, दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि मांगा भी क्यों जाए। देखिए मांगिए तब जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य ही यही है और आपको उसको पाना ही है, तो मांगने में कोई बुराई नहीं। और मांगना है तो ईश्वर से ही मांगिए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, और उसको पाने के लिए किसी प्रपंच में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना कर्म खराब करते हैं और शनि महाराज जिनके कर्मों की गति खराब होती है उसको कभी नहीं छोड़ते। मैं ये बात उन राजनीतिज्ञों के लिए बोल रही हूँ जो अपने सॉल्यूशंस को पाने के लिए, अपने पद को पाने के लिए उल्टे सीधे दावपेच इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कर्मों की गति खराब होती है, उनका पोजीशन डाउन होना ही होना है। तो हम भगवान से किस ढंग से बात करें कि भगवान की कृपा हो जाए, क्या सिस्टम है उनसे बात करने का, उनको मनाने का, उनको खुश करने का क्या सिस्टम है, जो आम आदमी जो देख रहे हैं इस चीज को कि मान्यता ही है, सिस्टम बताइए क्या सिस्टम होना चाहिए उसका? देखिए कोई सिस्टम नहीं, अगर आप इसकी कोई टेक्निकल टेक्निक्स मेरे से जानना चाहते हैं तो कोई सिस्टम ही नहीं है। देखिए अगर हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, कभी उन्होंने ऐसा कुछ उजागर नहीं किया, कोई जो भक्त हुए हैं उन्होंने ये नहीं कहा, कालिदास जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इस ढंग से प्रभु को याद किया। उन्होंने रामायण लिखी, सारी रामायण में उन्होंने उस भक्ति के स्त्रोत को नहीं लिखा कि ये मेरा भक्ति का तरीका था, मैंने इस तरह से भगवान राम को पाया। आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, आप लेट कर याद कीजिए, आप सोकर याद कीजिए, आप जाग कर याद कीजिए, आप चलते फिरते कीजिए, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप किस तरह से अपने ईश्वर को पा सकते हैं। ये तो आपके अंदर का एक अटूट बल है, जिनका आत्मबल, जिनका मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को पा सकते हैं वो ईश्वर को भी पा सकते हैं। तो मान जी देखने आया है कि सुबह सुबह या शाम को मंदिर में भीड़ होती है, जाते हैं पूजा करते हैं और बाहर जाके बेईमानी करते हैं, दुनिया का मन दुखाते हैं, क्या वो पूजा पूजा है जो बाहर दूसरों को पूजा करते हैं और भगवान को पूजा करते हैं? देखिए भगवान से मांगते हैं वो, जो ईश्वर ने इस इंसान को बनाया है बहुत स्वार्थी है, ये ईश्वर को कंडीशनल लव करता है, कंडीशनल लव मंदिर में जाकर करता है, ईश्वर को प्रसाद चढ़ाता है, पैसा चढ़ाता है और फिर कुछ मांगता है, ईश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद जनता को प्रसन्न करता है, जनता से दुखी देता है जनता को, क्या वजह है? एक तो पूजा करता है, दूसरी जनता को दुख देता है। देखिए ये पूजा पूजा नहीं, एक्चुअली देखिए इंसान कहते हैं दूसरे आदमी को खुश रखना ही सबसे बड़ी पूजा है, यदि अपने से कोई अच्छा काम हो जाए उससे बड़ी पूजा कोई नहीं भगवान की। देखिए जन सेवा,
जितनी भी जनता है, दीन दुखी हैं, ये पक्षी हैं, ये जानवर हैं, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, ये जो संसार में, उसके संसार में जो जीव जंतु हैं जिनके घर में कोई मम्मी पापा उनका खाना नहीं खिलाता, उनकी सेवा कीजिए, ईश्वर अपने आप ही खुश हो जाएगा। ईश्वर को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ देखिए ध्यान लगाना, आरती करना, ये तो एक साधन है, छोटे छोटे साधन है। इसमें कोई कन्फर्म्ड रास्ता कोई नहीं है कि आपको आरती करने से भगवान मिलेंगे, या आपको माला जपने से भगवान मिलेंगे, या आपको मंदिर में जाकर माथा टेकने से भगवान मिलेंगे, या नारियल चढ़ाने से भगवान। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए आप और उसके बीच की कड़ी। मैं तो कई बार गुप्ता जी ये भी बोलती हूँ कि हमारे गुरुजन भी, जिनकी कोई जरूरत नहीं, गुरु कोई मीडियम नहीं है। कहते हैं गुरु, कहते हैं कि बिना गुरु गति नहीं है, जिंदगी में गुरु बनना चाहिए, भगवान से बड़ा गुरु होता है, ये क्यों ये कंफ्लिक्ट करते हैं जनता के अंदर? शुरू देखिए, मैं गुरु, अच्छा गुरु और सच्चा गुरु बहुत मुश्किलों से मिलता है। और दूसरी बात, हमारे संसार में, हमारे इस भौतिक जगत में बहुत सारे भौतिक गुरु हैं, वो आध्यात्मिक गुरु भी भौतिक गुरु के रूप में ही हमें आजकल नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ईश्वर और आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं तो ईश्वर को ही गुरु मानकर ईश्वर को ही जपिए, आपको सारी मंजिलें सामने नजर आएंगी। जबकि देखने में आश्रम बापू जैसे अपने आप को भगवान कहते थे, भगवान हूं मैं, आज वो जय के अंदर बंद है, तो कहां गुरु बन गए वो, जो करोड़ों उसके शिष्य है, एक नहीं करोड़ों शिष्य है। ये हमारी आंखें जो है, मैं आपको इसी वजह से यही बोल रही थी कि हमारी आंखों ने देखना बंद कर दिया है। हमारी आंखों के आगे लाख पर्दे हैं, हम अपनी आंखों से वो देखना चाहते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमें ईश्वर को अपनी आंखों से देखना है। किसी की आंखों से देखकर शायद आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर का नाम लेना या ईश्वर की आरती करना कोई परमानेंट टेक्निक्स एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम ईश्वर को कैसे मनाएं। ये आपका बहुत ही आंतरिक और गुप्त रहस्य है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो मान लीजिए यदि गवर्नमेंट बनती है केजीवाई की, तो आपके मन में क्या महसूस होगा, क्या वास्तव में ठीक बनी या नहीं बनी? देखिए, मैं केजरीवाल जी की सरकार को अहमियत नहीं दे रही, मैं केजरीवाल जी को अहमियत दे रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि एक इंसान एक नई शुरुआत कर रहा है, मेरे ख्याल से, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस बात की हैसियत नहीं रखती कि मैं रिक्वेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी नए दल हैं, एक जनता को रिप्रेजेंट करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे दलों को एक छोटा सा मौका जरूर देना चाहिए। अगर क्रांतियां होती हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस और उसके रिजल्ट बाद में ही महसूस होते हैं। ये मुझे भी नजर आता है ग्रहों के अनुसार कि ये सरकार लंबी चलने वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आम आदमी पार्टी से दूसरी पार्टी सबक लें और अच्छा करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन अगर वो जगत का मतलब भला कर सकता है, तो उस दुश्मन को भी आपको रास्ता देना आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि आप भी जनता की भलाई के लिए ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो जहां जनता की भलाई है, वहां सभी पार्टीज को अपने सिर झुका देने चाहिए, अपने घुटने टेक देने चाहिए। देखिए, कॉम्पिटिशन अपनी जगह, लेकिन आप भी तो जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं और केजरीवाल जी भी वही कर रहे हैं। मानवी जी, केजरीवाल कहता है कि आम आदमी, आपने कहा मैं आम आदमी हूँ, आपने भी कहा कि मैं आम हूँ जी, तो वो कहता है कि आम आदमी जो है भगवान मेरा, तो आप भगवान मानते हो? तो देखिए, बहुत अच्छी सोच है उनकी, मैं उनकी सोच की कायल हूँ, मैं उनके लाइफस्टाइल की कायल हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि उनको भी पता है इस बात का कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और इसको चलाना बहुत टेढ़ी है। और अगर ईश्वर करे, मैं कुछ उपाय भी उनके लिए अगले प्रोग्राम में देना चाहूंगी कि अगर वो अपनी जिंदगी को कुछ किसी तरीके से आगे और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो हमारा कोई प्रोग्राम देख लें या उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव देख लें, तो इन चीज़ों को अगर वो लागू करते हैं या लागू कर सकने में सक्षम हैं, तो जरूर कीजिए, हम जो कर सकते हैं जरूर बताएं। तो क्या मान जी, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति दर दर जो कीचड़ होती है उसमें फंस गए हैं, क्या उससे बाहर निकल पाएंगे? वो नहीं, बिल्कुल फंस चुके हैं। मैं यही कहूंगी कि राजनीति की दलदल में फंस चुके हैं। ये ईमानदार इंसान राजनीति की राजनीतिक गतियों को नहीं जानता, ये अपनी ईमानदारी को लेकर चल रहा है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि कुंडलियों में जो ग्रह नीच के होते हैं, विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, तो कई बार कांटों पे चलने वाला इंसान कामयाब भी होता है।
आपने दोनों बात कह दी कि कामयाब भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। देखिए मेरे लिए तो दो महीने का कांटों पे आदमी चलेगा, कांटों से कम से कम खून तो आएगा पाऊं उसके। देखिए मैंने ये दिक्कतें तो आएंगी उसको। अगर आपके एजेंडाज में से अगर आप दो एजेंडा भी कंप्लीट कर लेते हैं, आप जनता की दो मांग भी पूरी कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं। वो आप वो काम करेंगे जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मानवी जी आपने ठीक कहा, दो डिमांड है, 700 लीटर पानी कम करना और 50% बिजली बिल कम करना। यदि ये कम कर दिए तो कहाँ से फंड आएगा? देखिए क्या गवर्नमेंट घाटे में जाएगी, किससे मांगेगा, वो कौन देगा? मैं आपको बता रही हूँ, मंगल नीच का है, इनकी कुंडली में चंद्र भी नीच का है, तो बिजली के बिल कम करना तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। आप ही कहेंगे दो बातें, दो बातें कौन सी, दो मेन बातें हैं, बाकी तो आम बातें हैं, कोई भी कर सकता है उसको। देखिए अगर मैंने ये कहा एग्जाम्पलरी कि अगर कोई दो मुद्दे भी केजरीवाल जी सॉल्व कर लेते हैं, जनता को खुश कर देते हैं, क्योंकि उनका जनता का जो खाना है वो थोड़ा स्ट्रांग है, जनता की तरफ से जो पॉपुलैरिटी वाला खाना है वो स्ट्रांग है, तो ऐसा वो करेंगे, वो ऐसा वो काम करके दिखाएंगे जनता जिनको सपोर्ट करे। लेकिन बिजली का बिल आधा करना, क्योंकि जिसके इंडिकेटर को इंडिकेट करने वाले हैं मंगल और राहु, ये मुझे थोड़ा सा कुछ पॉइंट वीक नजर आता है ग्रहों के अनुसार कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाए। जैसे आपने दो पॉइंट, एक पॉइंट सुधार मोहरा समिति नहीं बनेंगे, वो क्या जो बनी हुई है आरडब्ल्यू है, क्या वो कहां जाएंगी? क्या उन दोनों का कंफ्यूज नहीं होगा? क्या दोनों का झगड़ा नहीं होगा उसमें? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, अभी तो फ्रेमवर्क जो है उसको फ्रेमवर्क कहना भी गलत होगा, अभी तो फ्रेम ही नहीं बना। तो फ्रेम बनने के बाद रियलिटीज में केजरीवाल जी को कौन से सख्त डिसीजन लेने पड़े, कौन से मुद्दों से भटकना पड़े, कहना बहुत मुश्किल है। कहने करने में बड़ा फर्क होता है, बिल्कुल कहने और करने में फर्क होता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके जो पॉलिटिकल स्टार्स हैं उनको बहुत ज्यादा फेवर करने वाले। थैंक यू जी। अभी आप सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, इन्होंने बताया राजनीति में भी ज्योतिष काम देता है जी, और जितने भी राजनीतिक हैं 80-90% कम से कम ज्योतिष आचार्य पर जाते हैं और भविष्यवाणी कराते हैं कि हम नेता बनेंगे नहीं बनेंगे। आज मानवी जी ने भविष्यवाणी की है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, पर सर्टेन नहीं है कब तक बनेंगे, इनकी भविष्यवाणी कब तक काम आएगी ये देखनी बात है। और ये आपको अगस्त में हम बात बताएंगे आपको कि मानवी जी की भविष्यवाणी कहां तक सच हुई कहां तक नहीं हुई, पर कहते हैं जो मानवी कहती हैं वो भगवान के कहे हुए सब कहती हैं, मन से कुछ नहीं कहती, जो उनके कुंडली में लिखा होता है झूठ नहीं है, सच को सच कहती हैं, झूठ को झूठ कहती हैं। धन्यवाद। हमारी यह बुलेटिन स्वयं आपके साथ है, यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232-0338-2232-037-98-1072-848-98-18-7152। हमारा फैक्स नंबर है 2232-0338। ईमेल aapkewar@yourdotcom। आज का यह बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर स्वागत दिल्ली 32।